हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशा टॉक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंफोसिस की तरफ से एक बहुत अच्छी जॉइनिंग अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आप सभी इंफोसिस में इंटरेस्ट रखते हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। साथ साथ जो मेजर पॉइंट आ जाता है, ज्वाइनिंग आपकी ऑफलाइन होने वाली है, ऑनलाइन होने वाली है, इसके रिगार्डिंग क्लैरिटी मिल जाती है। इन्फोसिस की तरफ से कुछ मेल आया है उसके बारे में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। साथ साथ आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड जो भी इशू थे, अगर आप परसेंटेज क्राइटेरिया मैच नहीं करते हो, आपका गैप ज्यादा होता है, एक्टिव बैकलॉग होता है, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। साथ साथ यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग डिले के चांसेस कितने हैं उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। अगर आप ऑफर लेटर के लिए वेट कर रहे हो तो आप सभी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल वीडियो होने वाला है। चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने कल भी एक जो सर्वे मेल एंड फीडबैक फॉर्म आया था इन्फोसिस की तरफ से, उसके बारे में वीडियो बनाया था, तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हो। एंड सर्वे मेल एंड फीडबैक फॉर्म क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो सभी चेकआउट करके उसमें अप्लाई फिलआउट कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये न्यू ज्वाइनिंग अपडेट इन्फोसिस की तरफ से मुझे आज ही रिसीव हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो 9:41 AM, जहाँ पे आप देख सकते हो, डियर कैंडिडेट, होप दिस मेल फाइंड्स यू वेल। प्लीज बी इन्फॉर्म दैट योर ज्वाइनिंग इज वर्चुअल अंटिल फर्दर नोटिस, कीपिंग इन माइंड द कोविड प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है कि आपकी जो ज्वाइनिंग होने वाली है वो वर्चुअल होने वाली है अंटिल फर्दर नोटिस। ओके, कोविड प्रोटोकॉल्स को माइंड करते हुए ज्वाइनिंग वर्चुअल होने वाली है। एक आपका वर्चुअल सेशन होने वाला है एंड उसके रिगार्डिंग जो डिटेल्स है वो आपको शेयर कर दी जाएंगी। स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रॉन्ग, BCC इंटरनेशनल फॉर 21st November 2022 बैच। तो ये जो नोटिस है वो 21st नवंबर के जो बैच है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए होने वाला है, जहां पे आपकी ज्वाइनिंग वर्चुअल होने वाली है। इसके पहले भी मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाया था ज्वाइनिंग से रिलेटेड, जहां पर मैंने आपको बताया था जो भी 24th अक्टूबर वाली बैच थी, जो कि दिवाली के टाइम जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी, उनकी जो जेनरिक ट्रेनिंग है टोटली ऑनलाइन हुई है, वर्चुअल हुई है। एंड जो स्ट्रीम ट्रेनिंग है जहां पे आपको एक स्ट्रीम मिलती है, वो ट्रेनिंग जो है ऑफलाइन के लिए उनको इन्वाइट किया है। तो 20 नवंबर ऑनवर्ड्स उनको इन्वाइट किया गया है मैसूर कैंपस में। तो हो सकता है यहाँ पर जो न्यू बैच है उनकी स्टार्टिंग जो ट्रेनिंग है वर्चुअल होने वाली है, आगे जो है आपको ऑफलाइन के लिए बुला सकते हैं। ये टोटल इन्फोसिस की टीम के ऊपर डिपेंड है, अगर वो उनके ऊपर है वो आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं या तो आपको ऑफलाइन मैसूर कैंपस में भी इन्वाइट कर सकते हैं। तो ये क्लैरिटी हो गई, ऑफलाइन ट्रेनिंग होने वाली है, ऑनलाइन ट्रेनिंग होने वाली है, इसके रिगार्डिंग। अब सेकंड जो मेल आता है ज्वाइनिंग चेक पॉइंट से रिलेटेड, जहां पर आप देख सकते हो, थैंक यू फॉर चूजिंग टू बी एन इन्फोशियन, वी आर एक्साइटेड फॉर यू टू ज्वाइन अस शॉर्टली। तो यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाए, फास्टर एंड सीमलेस आपकी ऑनबोर्डिंग हो जाए, इसके लिए आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट की गई है कि आपको एंड ऑफ द डे यहाँ पे आपको इनको मेल बैक करना होगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने मिल जाते हैं, जैसे कि आपके एक्टिव बैकलॉग्स या पेंडिंग बैकलॉग्स है या नहीं, एग्जाम रिजल्ट, ओके, आपको रिजल्ट मिल चुके हैं यानी सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक के। साथ साथ यहाँ पे अगर आप कोई फुल टाइम डिग्री परस्यू करना चाहते हो, हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हो, तो उसके रिगार्डिंग भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आप कोई डिग्री परस्यू करना चाहते हो, पेंडिंग एग्जाम्स है, पेंडिंग रिजल्ट है, ओके, अगर आप अब्रॉड में रिजाइड कर रहे हो, आउट ऑफ इंडिया रिजाइड करते हो, ओके, आप अनश्योर हो ज्वाइनिंग से रिगार्डिंग कि आप ज्वाइनिंग करने वाले हो नहीं करने वाले हो इन्फोसिस में, या तो अगर आपका ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट है, सर्विस नोटिस पीरियड है, आपने अभी तक रिजाइन नहीं किया है, पार्ट टाइम जॉब करते हो, तो उस इनमें से आप कोई भी कैटेगरी में फॉल करते हो, तो बाय द एंड ऑफ द डे, मतलब आज के आज ही आपको एज सून एज पॉसिबल इन्फोसिस को मेल बैक करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके एक्टिव बैकलॉग्स है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो आपके कैंडिडेट आईडी, आपका नेम मेंशन कर सकते हो, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है एंड आपका रीजन, ओके, कि आपका एक एक्टिव बैकलॉग है, ओके, पेंडिंग बैकलॉग्स है, कौन से सेमेस्टर का है, कौन से सब्जेक्ट का है, वो सभी चीजें यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो एंड इन्फोसिस को मेल कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ यू फॉल इन एनी ऑफ द मेंशन पॉइंटर एंड स्टिल कंटिन्यू टू गो हेड एंड प्रोवाइड अटेंडेंस, ओके, ऑन लॉन्च पैड ऑन योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग यू विल बी लाइबल फॉर सर्टन इम्प्लीमेंटेशन। ओके, सो गाइस इन्फोसिस का एग्रीमेंट हो जाता है अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो यहाँ पे आपको यही चीज बोली गई है कि आपको यहाँ पे आप कोई भी कैटेगरी में फॉल करते हो, बैकलॉग्स या जो भी, यहाँ पे इनमें से कोई भी पॉइंट में आप आते हो तो आप इन्फोसिस को पहले ही इन्फॉर्म कर दे ताकि उसके अकॉर्डिंग इन्फोसिस आपकी जो है मैनेजमेंट कर सके। सो आई होप आपको सभी चीज समझ में आ गई हो, ये मेल आपको आया है तो आप इसका रिप्लाई कर सकते हो अगर आप इन कैटेगरीज में फॉल करते हो एंड आपकी रिसेंट ज्वाइनिंग होने वाली है। तो ये दोनों ही मेल थे अपडेट्स में आप सभी को देना था। आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हो गई हो। वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो तो डेफिनेटली आपकी ज्वाइनिंग डिले एंड एक्सटेंड हो सकती है, ओके, लेकिन अगर आप क्राइटेरिया परसेंटेज क्राइटेरिया भी फुलफिल करते हो, कोई बैकलॉग्स नहीं है, कोई गैप नहीं है, तो आपकी प्रॉपर जो ज्वाइनिंग डेट आपको मिल चुके हैं उसमें ही आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल द एंड।